हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपिका चौधरी। आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल ऑल इन्फो हिंदी में। हेलमिंटन में भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 T20 मैचों का तीसरा मुकाबला खेला जा रहा है। इस मैच में अंपायर से बड़ी चूक देखने को मिली, जिससे भारत को बड़ा नुकसान हुआ। 11वें ओवर में भारत की तरफ से युजवेंद्र चहल गेंदबाजी कर रहे थे। इसी बीच 11वें ओवर की अंतिम न्यूजीलैंड के बल्लेबाज कॉलिन डी ग्रैंडहोम के पैड पर जा टकराई। विकेटकीपर और गेंदबाज सहित सभी खिलाड़ियों ने जोरदार अपील की, लेकिन अंपायर ने आउट नहीं दिया। हालांकि भारतीय टीम ने DRS नहीं लिया, लेकिन रिप्ले देखा गया तो गेंद लेग स्टंप पर टकरा रही थी। अगर अंपायर ने आउट दे दिया होता तो डी ग्रैंडहोम आउट माने जाते। अंपायर की इस बड़ी चूक के बाद विराट कोहली समेत सभी दर्शक हैरान रह गए। बाद में कॉलिन डी ग्रैंडहोम और केन विलियमसन ने मिलकर 32 गेंदों में 49 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की, जिससे भारत को बड़ा नुकसान हुआ। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी के लिए आपकी कोई भी राय हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें। साथ ही खेल जगत, दुनियादारी जगत, बॉलीवुड जगत और राजनीति जगत से जुड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल और इन्फो हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुँचती रहे।